नमस्कार किसान साथियों, F2DF ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं मास्टर सुरेश जी के पास, जो मशरूम फार्मिंग करते हैं। और ये अभी यहाँ पे जो मशरूम फार्मिंग के लिए कंपोस्ट यूज होता है, उस कंपोस्ट को तैयार करते हैं। पहले सुरेश जी, आप हमारे दर्शकों को ना अपना परिचय दीजिए एक बार। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे मान फार्म हाउस सिंसर गाँव में। मैं सुरेश मान, बेसिकली मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ और साथ में मैं ये थोड़ी ही नॉर्मल खेती से हटके थोड़ी टेक्निकल खेती में लगे हूँ तकरीबन एक साल से। उसमें मेरा मशरूम का काम है और नेट हाउस लगा रखा है, उसमें मैं खीरा लगाता हूँ सर। ठीक है, देखिए किसान साथियों, सुरेश जी गवर्नमेंट टीचर होने के बावजूद भी टेक्निकल खेती में, ट्रेडिशनल खेती से हट के कहीं ना कहीं टेक्निकल खेती कर रहे हैं, ताकि कहीं ना कहीं थोड़ा एक्स्ट्रा मुनाफा कमा सके। तो आप लोगों के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है ये। तो सुरेश जी, पहले एक बार हमारे दर्शकों को बताइएगा कि मशरूम की खेती करने से पहले जो कंपोस्ट आता है, वो कंपोस्ट कैसे तैयार किया जाता है और कितना खर्चा आता है लगभग उसमें? सर, ये जो कंपोस्ट तैयार होने लग रहे हैं, आप देख रहे हैं लेबर इसको पलटी मारने लग रही है, इसमें तकरीबन एक महीने का टाइम लगता है कंपोस्ट को तैयार करने के लिए। और एक महीने में तीन बार पलटी लगती है, मतलब तीन दिन के बाद पलटी, मतलब इस खाद के अंदर 10 तो पलटी लगेंगी। इसका सिंपल मेथड है, ये लॉन्ग मेथड से तैयार करते हैं मशरूम का खाद। सबसे पहले हम जो तूड़ी होती है, साफ तूड़ी, उसको भिगोते हैं। उसको भिगोने के बाद 10 दिन तक वो उसको पूरा अच्छी तरह भिगो देते हैं। जब उसमें से पानी निचड़ने लग जाता है, उसके अंदर तूड़ी के अंदर ईट बन जाती है, तो उसके अंदर फिर हम 30% मुर्गियों की बींट डालते हैं। मुर्गियों की बींट का काम सिर्फ इतना ही है कि उस तूड़ी को गर्माश दे, ईट दे। उसके बाद सर स्टेप टू स्टेप, जैसे तीन दिन के बाद हम उसमें थोड़ा यूरिया डालते हैं, उसके तीन दिन बाद हम उसमें पोटाश डालते हैं, नेक्स्ट 3 डे के बाद हम उसमें गुड़ का लाड़ा होता है जब वो डालते हैं, उसके बाद चौथी काट पे हम उसके अंदर 40-50 कट्टे जिप्सम के डालते हैं। ये सब मटेरियल मिला के और प्रोसीजर चलता रहता है खाद का पलटाई का। इसमें अमोनिया गैस बहुत ज्यादा बन जाती है, 90 डिग्री तक इसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा हीट होती है। जितनी ज्यादा हीट होगी, इसका मतलब आपका खाद इतना ही अच्छा तैयार होने लग रहा है। स्टेप टू स्टेप स्टेप चलते चलते वो ईटिंग धीरे धीरे कम हो जाएगी, अमोनिया गैस पहले ज्यादा बनेगी फिर धीरे बनेगी, मतलब एक महीने के प्रोसीजर के बाद आपका खाद ये समझ लिए कंप्लीट है। जब हम खाद को उठाएंगे, उसकी सुगंध लेंगे, तो उस खाद में से ऐसी सुगंध आएगी जैसे मशरूम के अंदर से खाद आती, तो फिर आप समझ लीजिएगा कि आपका खाद तैयार है। उसके बाद सर ये पूरा कंप्लीट होने के बाद फिर हम इसमें मिलाते हैं स्पोन, जो इसका बीज होता है उसको हम स्पोन बोलते हैं, गेहूं का होता है, वो लैब के अंदर से तैयार होके आता है। ये सब उसके अंदर मिक्स करके और फिर हम पोलोथिन में डालते हैं उसको, 10 किलो का 12 किलो का या 15 किलो का जैसे आप उचित समझते हैं उसको उसमें डाल देते हैं। ये खाद तैयार होने के बाद फिर हम रूम में लेके जाते हैं। मेरे पास एसी रूम भी हैं दो, उनका साइज है 17x70 का, तो 17x70 में एक रूम में 3000 बैग आ जाते हैं। अब सर्दियों का सीजन चला है, हम 20 तारीख को बिजाई करेंगे इसकी, उसके लिए हम बाहर झूपड़ी में ओपन भी कर सकते हैं। उसमें ना एसी का खर्चा है ना लाइट का खर्चा है, उसमें खर्चा जमींदार का बहुत कम आता है। टोटल ऑल ओवर मिला के अच्छी मुनाफे की खेती है। एक चीज में 100% दावे के साथ कह सकता हूँ, मार्केट कितनी ही अब कितनी ही डाउन हो, लॉस नहीं लगेगा। बचता कितना है वो मार्केट के रेट के ऊपर है, वो आपका लक है कितनी मशरूम उगाते हैं। कम से कम मशरूम निकलेगी, कम से कम रेट आएगा, लॉस फिर भी नहीं होगा सर। तो किसान साथी, आप खुद देख सकते हो कि लॉस बिल्कुल नहीं होगा। और सुरेश जी, हमें एक बात कहिएगा, जैसे कि अभी जो आप वार्मिंग कंपोस्ट तैयार कर रहे हो, किसी किसान भाई को मार्केट से अगर कंपोस्ट खरीदना है, वो लगभग कितने रुपए किलो मिलता है, और आप जो तैयार करते हो वो कितने रुपए किलो के आसपास का लागत आती है उसके अंदर? देखो सर, सबका अपना अपना रेट है, तकरीबन नीर अबाउट 7 रुपए पर केजी के हिसाब से जो हम बाहर से खरीदते हैं बड़े फार्मरों से, उसका तो रेट है ये। परंतु हम अपनी खुद तूड़ी और लेबर के साथ खुद मेहनत करके इसके तैयार करते हैं, तो इसकी कॉस्ट आती है 4 रुपए किलो। एक बैग में 10 किलो खाद डल गया, उसके अंदर बीज डल गया, मतलब वो आपका
₹50 में कंप्लीट बैग तैयार हो जाता है। किसान साथियों ₹50 में एक बैग तैयार हो जाता है, मतलब एक तरह से 10 किलो का ये कंपोस्ट तैयार हो जाता है और उसके अंदर जो मशरूम की जो फंगस है जो हम बीज लगाते हैं वो भी तैयार हो जाता है। कहना कि ₹50 एक बैग की कॉस्ट, और जितने उन्होंने बताया है मतलब 3000 एक कमरे में 3000 बैग तक की लागत आ सकती है। आप खुद देख सकते हो कितना खर्चा होगा। सुरेश जी एक बात बताइएगा, जो आप खुद तैयार करते हो ये कंपोस्ट, ये अच्छी होती है मार्केट से लेकर, वो अच्छी होती है? देखो सर, अगला क्या माल देता है कैसा देता है उस पर डिपेंड कर देता है। हम ये नहीं कहेंगे जो बाहर से माल आता है वो भी अच्छा आता है, परंतु हम जो मैनुअली बनाते हैं लॉन्ग मेथड से, उसमें बाहर वाला इतना मटेरियल नहीं डाल पाता जो हम खुद डालते हैं। वे जिप्सम है, बाहर वाला क्या करेगा भाई, एक कटा कम डालेगा। तो खुद तैयार करेंगे कोई भी चीज़, अपने घर की बनाई हुई चीज़, एक बात है कि स्वादिष्ट हो। वही बात ये, यदि हम इसको अच्छी तरह तैयार करेंगे, इसमें मटेरियल ज़्यादा डालेंगे, जितने इसके अंदर मटेरियल डालेंगे, मतलब जिप्सम है, पोटास है, गुड़का लाड़ा है, या और ऐसी चीजें जितनी ज्यादा डालेंगे इसमें इतनी ही ताकत बैग के अंदर बनेगी, इतनी ही ज्यादा ये मशरूम देगा। तो किसान साथी आप देख सकते हो, अगर आप खुद से अपना कंपोस्ट तैयार करते हो, पहली बात लागत कहीं ना कहीं कम आती है, दूसरी बात अच्छा होता है क्योंकि आप खुद देखते हो उस वक्त जितने भी मटेरियल, जितने भी मिनरल्स हैं, पोटेशियम हो, जिप्सम हो, जो बाकी सारी चीजें, उससे कहीं ना कहीं इसके अंदर मिनरल ज्यादा होंगे, जिससे उत्पादन कहीं ना कहीं ज्यादा होगा और सस्ता भी होगा। सबसे पहली बात यह है, ये हम देख रहे थे कंपोस्ट, मतलब अभी जो समय है, अभी अगर अक्टूबर का समय है तो अक्टूबर के समय में आप कंपोस्ट तैयार कर सकते हो, ताकि जो मशरूम की फार्मिंग है वो अधिकतर, अगर आपके पास एसी रूम नहीं है तो वो अधिकतर आप झोपड़ी बना के या फिर अपना खुद का छोटा लोकल सेट डाल के कर सकते हो, जिसमें खर्चा बहुत कम आता है और कहना की लागत कहना की आप ज्यादा कमा सकते हो। अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि ये जो आपका कंपोस्ट है ये अब कहाँ जाएगा, कैसे यूज होता है, उसके बारे में बताएंगे आपको। तो किसान साथियों हमने अभी देखा था कैसे कंपोस्ट तैयार करते हैं मशरूम के लिए। अब क्योंकि अभी जो समय है वो सर्दियों का आने वाला है और मशरूम एक्चुअली सर्दियों में खेती की जाने वाली खेती है कहीं ना कहीं। हाँ, गर्मी में भी आप जो, अगर हम बात करें एसी कमरे सेट करके, एसी कमरे जो स्ट्रक्चर है वो बना करके आप गर्मियों में भी कहीं ना कहीं मशरूम की फार्मिंग कर सकते हो, लेकिन मशरूम सर्दियों की खेती है क्योंकि मशरूम को उगने के लिए कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो सुरेश जी हमारे दर्शकों को बताइएगा, कंपोस्ट तैयार होने के बाद जो ये जो सेट बनाते हो, झोपड़ी बनाते हो झोपड़ी, तो इसके ऊपर लगभग कितना खर्चा आता है किसान को और कैसे कैसे बनाई जाती है ये? सर ये जो आप झोपड़ी देख रहे हैं मेरे पीछे, इसका साइज है 30 बाई 80 के अंदर तकरीबन 4000 बैग लग सकते हैं। और इस पे यदि खर्चे की बात करें, ये मैंने जो बना रखे है इसमें 30% लोहे का इस्तेमाल लगा रखा है। यदि आप लोहे का नहीं लगाना चाहते उसकी जगह बांस यूज कर, तो 4000 बैग के स्ट्रक्चर के लिए रखने के लिए आपका तकरीबन 1.5 लाख रुपए लगता है। उसमें बांस आ गए हैं, लेबर आ गई है, ये लोहे की स्टैंड है, ये आ गए हैं, ये प्लास्टिक का धागा है, ऊपर छत के लिए पोलोथिन है, साइड में टांगने के लिए तरपाल है, ऑल ओवर में जाके 4000 बैग का यदि आप काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके ऊपर 1.5 लाख रुपए आपका खर्चा आएगा 4000 बैगों के। इसमें कंपोस्ट का खर्चा साथ में इंक्लूड है अलग है? ये सिर्फ सर जो 1.5 लाख का बताया है मैंने, ये स्ट्रक्चर का मतलब जो एक बैग तैयार होता है वो लगभग ₹50 में तैयार होता है, और ये स्ट्रक्चर जो है 4000 बैग के लिए 1.5 लाख रुपए में स्ट्रक्चर तैयार होगा और लगभग 2 लाख रुपए के आसपास का खर्चा होगा कंपोस्ट से लेके सारा बीज का खर्चा आपका, मतलब टोटल खर्चा अगर हम बात करें तो 3.5 लाख रुपए के आसपास होता है। सुरेश जी हमारे दर्शकों बताइएगा कि 3.5 लाख रुपए जो हमने खर्चा किया है, तो अभी जो क्योंकि मशरूम की खेती सर्दियों में की जाती है तो लगभग मार्च तक एक किसान कितना उत्पादन प्राप्त कर लेता है, आप कितना उत्पादन अगर आप प्राप्त कर सकते हो ये बताइएगा एक बार, अगर ₹100 का प्राइस भी अगर हम मानते हैं। इसमें सर हमने रखे 4000 बैग जी, एक बैग की हम उसकी मानते हैं तकरीबन 2 किलो जी, तो ये इसने देना है 80 क्विंटल माल जी। 4000 बैग के हिसाब से 2 किलो की एवरेज लाएंगे क्या हो गया 80 क्विंटल माल। 80 क्विंटल माल में यदि हम ₹100 का रेट लगाएं तो मोटा मोटा 8 लाख का रेट लगेगा। खर्चा बेटा कितना है आपका 1.5 लाख का स्ट्रक्चर का और 60-70 हजार रूपए उसका क्या कहते हैं बैग का, यदि आपने खुद तैयार किया है जी तकरीबन 2.5 लाख रुपए के आसपास जाता है,
डब्बी है, रोल है, ट्रांसपोर्ट का वो रहा है, अगर टोटल ऑल ओवर देखो 11,000 बैग मार्केट तक सेल करेंगे जी, 4.5 लाख 100 रुपए का रेट मिलता है आपको, 80 क्विंटल मशरूम निकल गया तो कोई शक नहीं है कि आप 8 लाख रुपए की मशरूम बिकेगी। तो ये टाइम पीरियड भी 3-3.5 महीने का, अब 10वां महीने की 18 तारीख हो जी, ये चलेगा आपका जनवरी तक जी, यदि सर्दी लंबी चलती है फरवरी तक तो फिर 2 से ऊपर आप क्रॉस कर जाएंगे, 2 से 2.25 किलो देगा बैग, फिर 2.5 किलो भी देगा यदि लंबी सर्दी तक जी। यदि आप ये मानते हैं कि फिर जनवरी तक ही तो 2 किलो की एवरेज तो फिर भी बैग आपको आसानी से देगा, ना लाइट का खर्चा है ना और ज्यादा खर्चा है। मशरूम की खेती क्या मांगती है, टेम्परेचर मांगती है, वो आप सर्दियों में दें, गर्मियों में करना चाहते हैं तो अपना एसी रूम होना जी। तो किसान साथियों एक बात देखिएगा आप, ये लगभग जो खर्चा होगा 4 लाख 4.5 लाख रुपए तक का होगा और जो उत्पादन होगा वो लगभग 8 लाख रुपए तक का हो सकता है। और सबसे मेन सबसे जरूरी बात यह है कि कितनी जगह में, ये इतनी जगह है जिसमें किसान अपना लगभग 200 से 250-300 गज का मकान बनाता है, सिर्फ उतनी जगह में आप लगभग 3 महीने के अंदर 4 से 5 लाख रुपए कमा सकते हो। और ये ट्रेडिशनल खेती से बहुत बेटर ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, क्योंकि ट्रेडिशनल खेती में अगर हम देखते हैं औसतन एक जो हमारा किसान है वो एक खेत से लगभग 1 लाख रुपए तक की फसल उठाता है जिसमें उसका खर्चा भी इंक्लूड होता है। ओके, उसमें मुनाफे की बात नहीं करते, खर्चा इंक्लूड है तब भी 1 लाख रुपए तक का टोटल उत्पादन उठाता है। लेकिन यहाँ पे एक किसान जितनी जगह में एक व्यक्ति अपना घर बनाता है उतनी जगह से भी शुरुआत करके इसमें खर्चा कहीं ना कहीं बहुत कम है। और जो आपने शेड लगाया है ये सारा सारा सामान दोबारा अगले साल भी यूज हो सकता है आपके लिए, दोबारा इसको यूज कर सकते हो, मतलब कहीं ना कहीं आप इससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। ट्रेडिशनल खेती से ये बहुत बेटर ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट कीजिएगा, इसको आप इसको एक विकल्प की तरह चुन सकते हो। ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे वीडियो हम बना के लेके आते रहेंगे, आप हमारे ऐसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।